रहे थे। 100 रूल्स में से 35 रूल्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलते हैं आगे। ओके, थोड़ा सा उस वीडियो में टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ रूल्स आप लोगों के कट गए थे, और आई होप कि इट वॉज 31, ये आप लोगों के जो 31 रूल थे उसमें हो चुके थे। तो चलिए हम फिर से डिस्कस करते हैं 31 रूल से आगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, ओके यहाँ पे क्वेश्चन था आपका सिंस एंड फॉर के लिए, ओके एंड हाउ लॉन्ग। तो जो एडवर्बियल ऑफ टाइम होते हैं उन्हें हम इंट्रोड्यूस करते हैं सिंस, फॉर और हाउ लॉन्ग से। जैसे हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द ऑफिस आप लोगों का करेक्ट होगा, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन आता है आपका सिंस एंड फॉर के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन जब भी इससे बनेगा उसके लिए बनेगा आप लोगों का हाउ लॉन्ग से। और अगर आप लोगों के पास हाउ लॉन्ग आया है तो इसका मतलब आपको हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं की है और अगर आप हेल्पिंग वर्ब कर लेते हैं, एक घंटे में आपको पूरी हेल्पिंग वर्ब लर्न हो जाएगी, और फिर आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अच्छे से ग्रामर के साथ में। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी जेन। अगर कोई वर्ब है, अगर वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है आप लोगों का, तो उसके बाद आप लोगों को जेरेंड यूज करना है। जेरेंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो कि नाउन एंड वर्ब दोनों का काम करती है, ठीक है। तो जेरेंड हो गया आप लोगों का, तो आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। सीधी सीधी सी बात, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन अगर आ रहा है, जैसे पनिश्ड फॉर कम लेट की जगह क्या हो जाएगा, कमिंग लेट हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी। 33 में देखते हैं, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, यू फिनिश योर वर्क। सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास में फ्यूचर कहीं पर यूज होता है तो फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बनता है। ये आप लोगों का शॉर्टकट है इसको याद रखने के लिए कि अगर फ्यूचर है तो प्रेजेंट होना चाहिए। जब प्रेजेंट की हम बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। जैसे आपने यू देखा, यू के बाद डायरेक्टली क्या होगा, फिनिश वर्ब यूज होगी, ठीक है। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, फिनिश आपका वर्ब हो गया। तो अगर फ्यूचर, अगर शैल और विल यूज हो रहा है तो अगली लाइन अगर उसके साथ में, दो एक्शन अगर साथ में आ रहे हैं, ओके फ्यूचर के हैं, तो आप एक को फ्यूचर में रखेंगे, एक को प्रेजेंट में रखेंगे। चलिए 34 है आप लोगों का, अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसा टाइम हो जो कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा हो, कोई ऐसे वर्ड्स हो जो पास्ट को इंडिकेट कर रहे हो, तो आपके पास में हमेशा आप लोगों को क्या करना है, सीधे सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई, आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, ठीक है। आई हैव बॉट की जगह क्या होगा, आई बॉट अ साइकिल। तो अगर आप लोगों के पास में कोई भी पास्ट का टाइम आता है तो आप लोगों को यूज करना है सेकेंड फॉर्म, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पास्ट, यहाँ पे पास्ट द वर्ड्स विच शोज पार्ट्स, ठीक है, ये आप कर सकते हो। द वर्ड्स शॉर्ट में लिख सकते हो, विच शो पास्ट, इस तरह से आप याद रख सकते हो शॉर्ट में की के लिए, ठीक है। When I reached the station, train had left. अगर कभी भी दो past, past plus past आता है, ठीक है, कोई भी दो sentence साथ में आते हैं, एक में आप लोगों का had use होगा, इतना ये आप लोगों को, second आप लोगों की याद रखनी है इस रूल में। First ये वाला याद रख लीजिए, second ये याद रख लीजिए। Future के साथ में क्या होता है, future के साथ present का combination होता है, ये काफी बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। Modal auxiliaries are not used together. मॉडल ऑग्जिलरीज अगर यूज की जा रही है तो उनको हमें साथ में यूज नहीं करना है। जैसे कि शुड के साथ में मस्ट यूज हो गया, तो या तो शुड ही यूज होगा या मस्ट यूज होगा, ही मस्ट डू इट और ही शुड डू इट। 36 में देखते हैं, ही नीड्स नॉट, यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों के पास में ये केस आप लोगों का फिर से बेयर इन्फिनेटिव का है, ठीक है। तो बेयर इन्फिनेटिव का कल भी हमने एक केस देखा था, बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज होते हैं उनमें से आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो नीड और डेयर, इन्हीं दो में से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर डेयर आ रहा है तो आप लोगों नीड नॉट टू डू इट की जगह क्या हो जाएगा, नीड नॉट डू इट। तो चलिए आगे चलते हैं, यूसेज ऑफ एडजेक्टिव में देख लेते हैं, ठीक है। डी जो पार्ट है आप लोगों का, एडजेक्टिव में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं वो आप लोग देख लीजिए। काफी सारी चीजें ऊपर से हम देखते आ रहे हैं, आई एट अ फ्यू राइस की जगह आई एट सम राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए adjectives of quality show how much of the thing is meat, adjective of quantity, देखिए दो चीजें हैं,
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशियंट एंड होल आ रहा है तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है। आई एट सम राइस होगा, ठीक है। तो अ फ्यू नहीं आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब शॉर्ट में कैसे याद रखें कि अगर ये सब वर्ड्स अगर आप लोगों के आते हैं तो इनको आपको अनकाउंटेबल मान के चलना है। आप एक लाइन में इनको लिखिए, उनके आगे अनकाउंटेबल लिख लीजिए, लर्न हो जाएगा। 38 देखते हैं, न्यूमरल ऑब्जेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। अगर आप लोगों के पास में न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं तो आप लोगों क्या आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन ओनली एंड दे शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीट और इन वट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स, आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरल जो अगर यूज कर रहे हैं उनको अगर हम काउंटेबल नाउन्स की तरह यूज कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उसे हम यूज करेंगे कब, व्हेन वी शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट और व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। ऑलराइट, सो क्या हो जाएगा आप लोगों का, आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स। व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज टुगेदर, ऑर्डिनल प्रीसीड्स द कार्डिनल। आप लोगों को ऑर्डिनल को क्या करना है, कार्डिनल से पहले रख लेना है। तो देखिए, द फोर फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस। तो फर्स्ट फोर बॉयज आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, विल बी गिवन इन द चांस। इससे आप इस पूरे सेंटेंस को ही एक की तरह रट लीजिए, आप लोगों को ये याद रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों का लेटर, लेटेस्ट, रेफर टाइम। जबकि लेटर देखिए डबल टी आ जाता है यहाँ पे, और लास्ट जो है वो पोजीशन को बताते हैं। ये दोनों क्या बता रहे हैं, टाइम को, ये दोनों क्या बता रहे हैं, पोजीशन को। आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या यूज करना है, बट ही वॉज लेटर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे की आप लोगों को इसी तरह से इसको याद कर लेना है, काफी बार पूछा जाता है। फार्दर मीन्स डिस्टेंट और एडवांस होता है, जबकि फर्दर मीन्स होता है एडिशनल, मीन्स इसके अलावा। फर्दर मीन्स होता है एडिशनल, इसके अलावा। He insisted on further improvement की जगह हो जाएगा, He insisted on further improvement। तो इसे भी आप लोगों की तरह याद कर लेना। Further means होता है distant या advanced, जबकि further का meaning क्या होता है, additional होता है, means उसके अलावा। Each is used in speaking of two or more things, every is used for speaking on of more than two things, ठीक है। Each का मतलब होगा दो का सेंस देता है, one and two। और जो एवरी होता है वो क्या होता है, सभी के लिए यूज होता है। तो हमारा इस तरह से आप लोग की तरह यूज कर लीजिए, इस पिक्चर को याद रख लीजिए। ये आप लोगों का ईच है, जब भी आप ईच लिखेंगे तो दो बना लीजिए, एवरी बनाएंगे तो काफ़ी सारे गोले बना लीजिए, याद रहेगा। ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज, क्योंकि ईच आ रहा है। और अगर आप एवरी बॉय इन द क्लास रूम विल गेट अ टॉफी, इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस quantity or degree, sum is used in affirmative sentences, any negative or interrogative sentence। सीधे सीधे आप लोगों को याद रखना है कि sum जो होता है वो affirmative में use होता है, जबकि any जो है वो आप लोगों का negative या interrogative में use होता है। तो have you bought some mangoes, क्योंकि ये question है तो यहाँ पे any हो जाना चाहिए आप लोगों का, बाकी आप लोग negative और interrogative में use इसका देख लीजिए। In comparing two things, the comparative should used, the superlative should not be used। अगर दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेरेटिव फॉर्म आती है, अगर हम बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को निकाल के बेस्ट या वर्स्ट बताते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, दो में से अगर दो यूज होता है तो हम क्या यूज करें, बेटर, ना कि बेस्ट यूज करेंगे। मैंने आप लोगों को तरीका ये भी बताया था कि अगर 100 सेंटेंसेस आप क्या कर लेते हैं, बस इन्हीं को सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंसेस में जंप कर लेते हैं तो, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब आप कर लेंगे इसको। ही इज वाइज देन ब्रेव, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड, कंपेरेटिव ER इज नॉट यूज्ड, मोर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अगर हम एक ही आदमी का क्या कर रहे हैं, दो क्वालिटीज को, वन पर्सन टू क्वालिटीज, वन एंड टू क्वालिटीज, क्या यूज करेंगे, मोर, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। एक तो ये रूल होता है, वैसे एक दूसरा रूल भी होता है मोर का यूज करने का, जब आपके पास में दो से ज्यादा सिलेबल अगर किसी में आ गए, सिलेबल आ गए
तो आप लोग क्या यूज करेंगे, मोर यूज करेंगे। तो दो केसेस आप लोगों को याद रखने हैं, एक ही इंसान के दो केस, दो क्वालिटीज, और एक अगर आप दो सिलेबल से ज्यादा, अगर सिलेबल आप लोगों को नहीं समझ में आता, जैसे मैं बोलूंगा ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल्स हैं, 1, 2, 3, तो हम बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते हैं, मोर ब्यूटीफुल यूज करते हैं। तो क्योंकि हम दो से ज्यादा सिलेबल यूज होते हैं, तो तीन सिलेबल के लिए हम क्या करेंगे, मोर यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ कंपैरेटिव, द थिंग कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर। अच्छा, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ही इज क्लेवर देन एनी बॉय इन द क्लास। देखिए, क्लास का पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में एक कोई लड़का है, अगर हमें उसे कंपेयर करना है तो उसे हम क्लास से हमें उसे अलग करके बताना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अदर देन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या हम यूज करेंगे देन का यूज करेंगे, देन एनी बॉय इन द क्लास, ही इज क्लेवर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ सुपरलेटिव, अगर सुपरलेटिव का यूज हो रहा है, द थिंग कंपेयर्ड शुड इंक्लूड द क्लास ऑफ द थिंग्स इन विच इट इज कंपेयर्ड। जब सुपर, देखिए कंपैरेटिव में हमने क्या किया, उसको अलग कर दिया, सुपरलेटिव में हम उसको अंदर ही रखेंगे। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन की जगह क्या होगा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन। व्हेन टू पर्संस और थिंग्स आर कंपेयर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट ऑफ द थिंग शुड बी कंपेयर्ड। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। देखिए, दैट ऑफ का यूज क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और दिल्ली से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन की कंपैरिजन हो रही है, तो वहाँ पे हम देन दैट ऑफ का यूज होता है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है देन दैट ऑफ, इसे आप लोग बाहर निकाल लीजिए, देन दैट ऑफ, अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन दिखती है तो देन दैट ऑफ आप लोगों के लिए की का यूज करेगा, एज ए की यूज करेगा। डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स नहीं यूज होते हैं, जैसे ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये आप लोगों का करेक्ट होगा, मोस्ट एंड क्लेवरेस्ट दोनों के दोनों सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं, तो दोनों को यूज नहीं होना चाहिए, ओके, या मोर क्लेवरर यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप लोग को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर मोर वाइजर का सेंस दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, आप लोगों को वाइजर ही यूज करना है। द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, ये बहुत ध्यान रखना आप लोगों को, काफी बार पूछा जाता है, इसकी जगह टू यूज होता है हमेशा, जैसे ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, ही इज सीनियर देन आएगा तो गलत रहेगा, ही इज सीनियर टू मी, तो आप लोगों को ये एज अ की याद रखना, आई ओ आर अगर कहीं पर आता है तो टू यूज करना है, ये आप लोगों को की है, ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए। एडजेक्टिव लाइक यूनिक एंड आइडल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर एंड राउंड। देखिए ये चीज़ें होती क्या है कि अगर कोई चीज़ परफेक्ट है तो उसमें हम कोई चीज़ अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम एंटायर की बात करें, यूनिक कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उनको हम सुपरलेटिव नहीं बना सकते, कंपेरिजन नहीं कर सकते, तो मोस्ट यूनिक की जगह डायरेक्टली होगा इट इज अ यूनिक थिंग, ठीक है। ऑल इन वर्ड्स को आप थोड़ा सा देख भी लेंगे, जो ऊपर वाला रूल था आप लोगों का, इनको ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर्स टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ही इज द वाइजेस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव विच रेफर्स द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट, तो हम यूज कर रहे हैं द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा, कि हम वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट के साथ में ऑनेस्ट के साथ में मोस्ट यूज होना जरूरी है, दोनों के दोनों हम क्या करेंगे, एक ही इंसान की दो एडजेक्टिव्स हम बता रहे हैं। एल्डर एल्डेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज्ड फॉर द नंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है, अगर आप एल्डर एल्डेस्ट किसके लिए यूज कर रहे हैं, देखिए एल्डर एंड एल्डेस्ट किसके लिए यूज हो रहा है आप लोगों का, सेम फैमिली के लिए। ओल्डर ओल्डेस्ट फॉर बोथ पर्सन एंड द थिंग्स, ही इज माय ओल्डर ब्रदर की जगह क्या होना चाहिए, ही इज माय एल्डर ब्रदर होना चाहिए, क्योंकि ब्रदर क्या है, हमारी फैमिली का है,
हम यूज करेंगे। तो अब चलते हैं एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब्स के यूज पे चलते हैं। टू मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब वी यूज एन एडवर्ब। अगर हमें किसी वर्ब को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, एडजेक्टिव को करना है और अनदर वर्ब वी यूज एडवर्ब, एडवर्ब को ही यूज किया जाता है। शी राइट्स वेरी केयरफुल, शी राइट्स वेरी केयरफुली। देखिए वेरी एंड राइट्स को हम क्या करें, मॉडिफाई कर रहे हैं एडवर्ब से। नेक्स्ट टू मीन्स देन, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट इज यूज विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। देखिए टू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, आप लोगों को बस इतना की याद रखना है, नेगेटिव सेंस देता है। वी कैन नॉट यूज टू टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लेजेंट, मतलब उसे पॉजिटिव के साथ में यूज नहीं करना हमको, उसके साथ हम वेरी यूज कर सकते हैं, वेरी पॉजिटिव के साथ में आता है। ठीक है, तो चलिए आई एम टू ग्लैड की जगह क्या हो जाएगा, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टू 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 फॉर्मेट, अगर टू के बाद टू फॉर्मेट आता है, वी कैन नॉट रिप्लेस विद सो दैट, अगर हम उसे रिप्लेस नहीं करते, इफ वी रिप्लेस इट विद सो दैट, टू ऑल्सो मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कैन नॉट। देखिए अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वर्क, तो सो दैट का यूज नहीं होगा, हम टू का यूज करेंगे, ही इज टू वीक टू वर्क। अगर हम इसे इस तरह से यूज करेंगे, ही इज सो वीक, अगर सो वीक यूज कर दिया तो दैट के, दैट यूज करने के बाद हमें कैन नॉट यूज करना पड़ेगा। तो अब इस तरह से देखिए शॉर्टकट आपको टू के साथ में टू यूज करना है, टू के साथ टू यूज करना है, जबकि अगर आप लोगों के, आप लोगों ने इसे सो यूज कर लिया है तो उसके साथ आप लोगों को कैन नॉट यूज करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए की बन गया है, से आप एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 57 देखते हैं, मस्ट टू इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, वेयर इज टू मच फॉलोड बाय नाउन। अगर हमारे पास मच टू आ रहा है तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आना चाहिए, जबकि टू मच आएगा अगर कहीं पर तो उसके बाद हमारे पास में नाउन होना चाहिए। हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, हिज फेलियर इज टू मच टू पेनफुल फॉर मी, तो करेक्ट क्या होगा, टू मच की जगह क्या हो जाएगा, मच टू हो जाना चाहिए अगर नेगेटिव चीज आ रही है तो। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, रूट बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन, मच टू की जगह टू मच पेन होना चाहिए। क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टूगेदर, जैसे ही इज क्वाइट ऑल राइट करेक्ट होना चाहिए, ही इज क्वाइट राइट और ही इज ऑल राइट। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे इसे, क्वाइट के साथ में ऑल यूज नहीं होगा, क्रॉस करके लिख लीजिए, कीवर्ड बन जाएगा आप लोगों के लिए जल्दी। मतलब आप 100 रूल्स को क्या करेंगे, एक पेज में लिख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, नेक्स्ट डे एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिमाग में रहेगी। ए और एन प्लस फेयरली एडजेक्टिव, नाउन और रादर अ एडजेक्टिव और फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखते हैं, अ फेयरली गुड बुक, रादर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट वॉज अ रादर गुड बुक की जगह क्या होना चाहिए, इट वॉज अ फेयरली गुड बुक, गुड बुक। सॉरी, अगर हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो नाउन और रादर आ रहा है तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सीधा अगर समझ में ना भी आया हो तो आप सीधा सीधा इसे एज एन एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, इट वॉज अ फेयरली गुड बुक, छोटा सा सेंटेंस है, याद कर लीजिए, आप लोगों को ईजी रहेगा चीज़ों को एनालाइज करने में। इनफ वेन यूज एज एन एडवर्ब इज प्रिसीडेड बाय अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, अगर इनफ आ रहा है उसके बाद कोई क्या आ रहा है, अगर उसको हम एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। टू नेगेटिव्स कैंसिल ईच अदर, हेंस टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, दो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, आई हैव नॉट गॉट नन, तो नन भी नेगेटिव हो गया, नॉट भी नेगेटिव हो गया, तो हम यूज करेंगे आई हैव नॉट गॉट एनी। जैसे कि हमने एनी वाले केस में देखा भी था कि ये नेगेटिव में क्या यूज होता है, एनी यूज होता है। एट प्रेजेंट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, नथिंग नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली,
नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट, ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, ही विल कम बैक प्रेजेंटली, मतलब शॉर्टली मीन्स जल्दी, जल्दी का सेंस आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो चीज़ें हैं, एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। हार्ड मीन डिलिजेंटली स्ट्रेनसली एंड हार्डली मीन्स स्कार्सली, देखिए दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, हार्ड का मीनिंग अलग होता है और हार्डली का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, ये आप लोगों को याद रखना है, हार्ड आप लोगों को पता ही है। ही ट्राइड हार्ड टू विन रेस एंड ही हैज ईटन हार्डली एनीथिंग, उसने मुश्किल से कुछ खाया होगा। मच इज यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, वेरी इज यूज बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है, मच सरप्राइजिंग की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना है मच इज यूज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल से के आगे यूज किया जाता है, वेरी इज यूज बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है तो हम वेरी यूज करते हैं। इट वॉज वेरी सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज की जगह क्या हो जाएगा, इट वॉज मच सरप्राइज, देखिए वेरी प्रेजेंट के साथ में यूज हो रहा है और मच जो है पास्ट के साथ में यूज हो रहा है, तो ठीक है, इसके आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे पूरे 100, तीन वीडियो को मैं पूरा कंपाइल करके आप लोगों को एक साथ भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।